सोशल मीडिया के जो है इस दौर में कुछ लोग अपने आप को कुछ ज़्यादा ज्ञानी दिखाते हैं और उस क्रम में जो है उनको जो मर्जी करता है बिना सोचे समझे जो है सोशल मीडिया पे शेयर कर देते हैं और उनको ऐसा लगता है कि लोग जो है हमारे बातों से जो है प्रभावित होंगे। तो कुछ लोग तो वैसे होते हैं जो कहीं ना कहीं मदारी के भाव से भी जो है प्रभावित हो जाते हैं, तो कुछ लोगों को हम नहीं बोलेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि आप सोशल मीडिया पर जो है जो मर्जी किया सो पोस्ट कर दिए और सभी लोग जो है उस बात को मान लेंगे? तो ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। अभी के समय में जो है कुछ लोग वैसे हैं जो सोशल मीडिया पे जो है ऐसे पोस्ट को डाल रहे हैं कि शंकर भगवान को जो हम लोग दूध चढ़ाते हैं, यहां पे जो है दूध का एक तरीके से बर्बादी होता है, इसलिए जो है इस दूध को बचा करके जो है गरीबों के बीच में बांट देना चाहिए। तो वैसे ज्ञानी लोगों को जो है इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपका ज्ञान जो है कहां तक कारगर है। देखिए, सबसे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि हमारा पूरा जीवन जो है एक तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं उसका मैक्सिमम पार्ट जो है वेस्टेज में ही जाता है। जैसे मान लेते हैं कि हम जब जन्म लेते हैं तो हम जब बचपन में रहते हैं तो उस क्रम में जो है कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स जो है हमारी जो है सेवा करते हैं, हमारी देखरेख करते हैं, जिसके कारण हम बड़े होते हैं। तो बाद में जो है ऐसे ऐसे लोग उसमें ज्ञानी भी निकल के आते हैं जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपका घर संस्कारी है तो आप अपने घर में देखोगा कि जो भी बड़े बुजुर्ग है उनसे जो है बिना लालच के जो है कहीं ना कहीं उनका सेवा किया जाता है। उस समय ऐसा नहीं सोचा जाता कि इनसे हमारा कोई फायदा नहीं है, ये अब बूढ़े हो चुके हैं, इनसे कोई कमाई नहीं होने वाला, इसलिए जो है अब इनको छोड़ देना चाहिए। हालांकि अभी के दौर में कुछ वैसे लोग भी हैं, इसके कारण ही तो कहीं ना कहीं अनाथ आश्रम में जो है इतना सारा या फिर वृद्ध आश्रम में जो है इतने सारे लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसके पीछे भी कुछ लोग हैं, कुछ ज्ञानी लोग हैं, जिसके कारण जो है ऐसा संख्या कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहा है। देखिए, अभी के समय में देखा जाए तो लोग जो है पार्टी फंक्शन जो है काफी तेजी से बढ़ा रहे हैं। जैसे आप देखिएगा कि अगर आप किसी बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं, खुद का बर्थडे हो या किसी के बर्थडे में जाते हैं, तो वहां पर केक वगैरह मंगाते हैं, मोमबत्ती मंगाते हैं, काफी सारा जो है डेकोरेशन का काम करते हैं, कुछ फ्रेंड को जो है कहीं ना कहीं पार्टी वगैरह भी देते हैं। तो उसमें भी अगर आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो काफी सारे पैसा का जो है वहां पे हम लोग वेस्टेज करते हैं। लेकिन वहां पे जो है कभी भी ऐसा ध्यान नहीं आता कि इस पैसे को बचा करके जो है गरीबों के बीच में दान कर देना चाहिए। इसके अलावा जो है अगर मैरिज एनिवर्सरी वगैरह की बात करते हैं तो वहां पर जो है काफी सारा हम लोग वेस्टेज करते हैं पैसों का। वहां पर हम लोग ऐसा नहीं सोचते हैं कि इस पैसों को बचा करके जो है गरीबों के बीच में दान कर देना चाहिए। हम लोग किसी पार्टी फंक्शन में जाते हैं वहां पर काफी सारा वेस्टेज करते हैं, वहां पर हम लोग नहीं सोचते हैं कि इस पैसा को बचा के गरीबों के बीच में दान कर देना चाहिए। हम लोग किसी लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं घूमने वगैरह के लिए, कहीं स्विमिंग पूल में एंजॉय करने के लिए जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हैं, बहुत जगह जो ऐसा होता है कि हम लोग जो है एक रुपए के काम को पांच रुपए में करते हैं। लेकिन वहां पर हम लोग ऐसा नहीं सोचते हैं कि इस पैसों को बचा करके जो है गरीबों के बीच में दान कर देना चाहिए। हम लोग जब लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि हमारा पर्सनल कार वगैरह हो। हम लोग ऐसा नहीं सोचते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चले जाए ताकि कहीं ना कहीं डीजल पेट्रोल का बचत हो, हमारा इन्वायरमेंट भी बचेगा और इस पैसों से जो है गरीबों का मदद भी होगा। ऐसा बात हम लोग नहीं सोचते हैं। तो जब बात होता है हमारे पर्सनल पे तो उस समय जो है कहीं ना कहीं गरीबों वाला सोच हमारे अंदर नहीं आता। लेकिन जब बात आता है धार्मिक पे, चूंकि अभी के समय में देखिएगा कि बहुत सारा मूवी भी है जो कहीं ना कहीं जो है हिंदू धर्म को जो है टारगेट करने का प्रयास करती है, और उस टाइप के मूवी को देख करके जो है आजकल के कुछ युवा, सभी युवा को हम नहीं कर रहे हैं, कुछ युवा ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं जो है कुछ अपने आप को ज्यादा ज्ञानी शो करते हैं। उनको लगता है कि नहीं, हम जो है सोशल मीडिया पर जो मर्जी किया डाल दिए और लोग जो है हमारे बातों को सुनेंगे और हमारे सपोर्ट करेंगे। तो ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। बिना सोचे और समझे अगर आप किसी चीज को सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं तो यकीन मानिए कि आपसे बड़ा मूर्ख जो है कोई नहीं है। अगर मान लेते हैं कि आपको हिंदू धर्म के बारे में सही से जानकारी नहीं है, आप ये भी जान लीजिए कि हिंदू धर्म में जो है धार्मिक चीजों के आधार पर सब चीजों को रखा गया, उसके साथ साथ जो है वैज्ञानिक चीजों के आधार पर भी रखा गया। आप किसी भी चीज को चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है वैज्ञानिक स्तर पर भी जो है आप उस चीज को जो है सही पाएंगे। तो अगर आपको सही से जानकारी नहीं है तो आप किसी जो है धार्मिक इंसान से मिलिए, धार्मिक ग्रंथों को पढ़िए और अपने माता पिता से जो है इस टाइप के ज्ञान को लीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि हिंदू धर्म में जो है क्या सही है क्या गलत है। बिना सोचे समझे जो है किसी चीज को सोशल मीडिया पे शेयर कर देना, इसमें जो है आपका कहीं से कोई बहादुरी नहीं है। हिंदू धर्म के अनुसार जो है या फिर साइंस के अनुसार जो है, साइंटिफिक कारण भी इसका है। हम लोग जो शिवलिंग के ऊपर जो दूध चढ़ाते हैं उस दूध का जो है काफी सारा साइंटिफिक कारण है। उसमें बहुत सारे जगह पर आप देखिएगा कि नदी तालाब कुआं के आसपास में जो है शिव मंदिर को रखा जाता है ताकि जो दूध चढ़ाए तो उस दूध को चढ़ाने के बाद जो है दूध को कहीं ना कहीं बचा लिया जाए, जमा कर लिया जाए और उसके बाद जो है प्रसाद के रूप में जो है एक तरीके से दूध का यूज किया जा सके। साथ ही साथ जो है दूध चढ़ाने के पीछे भी कारण है कि भगवान शिव जो है विष पी लिए थे, उसके बाद जो है उनको जो है काफी ज्यादा बेचैनी हो रहा था, जिसके बाद जो है कहीं ना कहीं उनके ऊपर जल मतलब कि अर्पण किया गया, दूध अर्पण किया गया, जिसके कारण जो है उनको काफी ज्यादा जो है एक तरीके से रिलीफ मिला। तो काफी सारा मान्यता
होता है, जिसके कारण जो है हम लोग भगवान शिव के ऊपर जो है कहीं ना कहीं दूध को चढ़ाते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेना है तो कहीं ना कहीं आप धार्मिक ग्रंथों का, धार्मिक गुरुओं का सहारा लेकर के जो है जानकारी ले सकते हैं। बाकी बिना सोचे समझे जो है अगर आप ऐसा पोस्ट करते हैं तो आप जो है काफ़ी बड़े मूर्ख माने जाएंगे। इसके अलावा जो है हिंदू धर्म ही नहीं, काफ़ी सारा धर्म है जिसमें हम लोग कहीं ना कहीं चादर वगैरह को चढ़ाते हैं। हम हिंदू धर्म का बात करें, मुस्लिम धर्म का बात करें, सिख धर्म का बात करें, ईसाई धर्म का बात करें, हम लोग चादर वगैरह भी चढ़ाते हैं, मोमबत्ती वगैरह भी जलाते हैं। वहाँ पर हम लोग ऐसा नहीं सोचते कि इसको बचा करके जो है गरीबों के बीच में वितरण कर देना चाहिए। हर धर्म में जो है वैसा अगर आप सोच रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको वेस्टेज ही लगेगा। इसलिए जो है इस टाइप का सोच नहीं रखना। इंसान का जो है पूरा लाइफ देखा जाए तो एक तरीके से वेस्टेज ही है, क्योंकि बचपन में भी हम लोग कुछ करने लायक नहीं रहते हैं और जब हम लोग का एक एज हो जाता है उसके बाद भी हम लोग कुछ करने लायक नहीं रहते हैं। बीच में ही जो है हम लोग कहीं ना कहीं कुछ करते हैं और हमसे जो है लोगों को फायदा होता है। हालांकि अभी के समय में कुछ लोग ऐसे हैं जो बीच में भी जो है अच्छे कामों को कहीं ना कहीं नहीं करते हैं। तो इंसान का देखा जाए तो मैक्सिमम पार्ट ऑफ लाइफ जो है एक तरीके से वेस्टेज ही जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जन्म में उसको मार दिया जाए। इसलिए इस तरीका का जो है घटिया सोच नहीं रखना। बाकी अगर आप गरीबों का मदद करना चाहते हैं तो इसके लिए जो है अपने आपको जो है अपने बर्थडे के पार्टी का जो है कटौती करने का जरूरत नहीं है। आपको अपने मैरिज पार्टी की कटौती करने का जरूरत नहीं है। आपको अपने लॉन्ग ड्राइव की कटौती करने का जरूरत नहीं है। आपके अपने धार्मिक चीजों को जो है फॉलो करने मतलब कि छोड़ने का जरूरत नहीं है। आप उसके अलावा मेहनत कीजिए, आप ज्यादा पैसा कमाइए ताकि जो है आप शिव जी को जो है दूध भी चढ़ाइए और गरीबों के बीच में भी दूध बांटिए, अगर आप में वैसा कैपेसिटी है तो। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं शिव जी को ना चढ़ा और गरीबों के बीच में बांटे तो सिर्फ और सिर्फ आप मूर्ख हैं और एक तरीका से जो है सोशल मीडिया पर जो है भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जो अपना सुझाव जरूर दें। जय भोलेनाथ।